हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाराबंकी जिले के परी माता के मंदिर के संपूर्ण दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, आज 19 अक्टूबर है। आज सुबह ही हम लोग यहां आ गए थे और आज यहां संपूर्ण रामचरितमानस को शुरू किया गया है, जिसकी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। कल इसकी समाप्ति के बाद यहां पर भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। फ्रेंड्स, परी माता का यह मंदिर बाराबंकी जिले के थाना सत्रिक के पास कितीर गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर के आसपास एक नदी के पास में है। यहाँ के लोग इसे जलपरी या जलहलपरी भी कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए हम अब मंदिर के दर्शन करते हैं। बाराबंकी के इस मंदिर में रात में आती है माता, चाहकर भी नहीं रुक सकते भक्त। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ दर्शन करने आए भक्त अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करें तो माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन रात्रि में परी माता आती हैं, इसलिए मंदिर परिसर या उसके आसपास रात के समय कोई नहीं रुक सकता। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से की जाती है। नवरात्र में जगह जगह माँ दुर्गा के पूजा पंडाल सजाए जाते हैं। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी उमद्दती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले स्थित हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है। हम आपको अद्भुत परी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ दर्शन करने आए भक्त अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करें तो माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन रात्रि में परी माता आती हैं, इसलिए मंदिर परिसर या उसके आसपास रात के समय कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, अब हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। आज के दिन मेला नहीं लगा है, मेला कल लगेगा, इसलिए आज भीड़ नहीं है और हम लोग आज आराम से माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज को वीडियो में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग पुजारी के द्वारा बताई गई परी माता की कहानी के बारे में भी जानेंगे और यहाँ कब कब मेला लगता है, क्या क्या मान्यताएं हैं, यह मंदिर कौन सी नदी के पास है और इस मंदिर पर क्या चढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज होती है, ये सारी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, सबसे पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं।
बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में परी माता का मंदिर है। मान्यता है कि नवरात्र में जो भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करते हैं व मन्नत मांगते हैं तो उनकी सभी मन्नतें पूर्ण होती हैं। नवरात्र में परी माता के मंदिर में जिले के कोने कोने से भक्त आते ही हैं, साथ ही यहाँ अन्य जगहों से भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के अलावा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के साथ हर महीने की पूर्णिमा को भी भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं और विधिवत हवन पूजन के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी मान्यता के अनुसार माता को चुनरी इत्यादि भेंट करते हैं। भक्तों की मनोकामना होती है पूरी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पुरानी मान्यता के अनुसार कहा जाता है परी माता मंदिर के पश्चिम गोमती नदी बहती है। नदी में एक कुंड है, उस कुंड में परियों का वास है। वहीं आसपास के जो गांव है उनके यहाँ शादी होती थी तो खाना बनाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में लोग आते थे और उस कुंड के पास परी माता से बर्तनों की मांग करते थे तो अगले दिन उन्हें मंदिर में बर्तन मिलते थे। जब काम खत्म हो जाता था लोग उन बर्तनों को मंदिर में वापस रखाते थे। आज भी जो भक्त सच्चे मन से यहाँ माता की विधिवत पूजा अर्चना करता है और अपनी मनोकामना मांगता है तो माता उसे जरूर पूर्ण करती हैं। भक्त यहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए चुनरी और धागे से गांठ भी लगाते हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ घंटा प्रसाद आदि चढ़ाकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। भक्त यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करते हैं। वहीं महिलाएं यहाँ पिन्नी दुर्दरिया समेत कई विशेष पूजा करती हैं। Oh,